हेलो गाइस, वेलकम टू पूरी पढ़ाई। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग अ बिट एंड अ बाइट। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बिट और बाइट होता क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस पे कैसे वर्क करती है, और एंड में हम देखने वाले हैं कि कीबोर्ड कैसे वर्क करता है। प्रैक्टिकली हम देखेंगे बना के इस कीबोर्ड को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बिट की बात करें या फिर बाइट की बात करें, यहाँ पर अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे आपके कोई टैबलेट हो सकता है, या फिर आपकी टीवी हो सकती है, एलईडी हो सकती है, या फिर आपका कोई कंप्यूटर हो सकता है, या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करी जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी क्या समझती है? अगर कोई एलईडी की बात करी जाए, अगर आपके पास एक एलईडी है, तो वो आपकी ऑन हो सकती है या फिर ऑफ हो सकती है जब आप उसको 12 वोल्ट या फिर 220 वोल्ट इतनी सप्लाई उसे प्रोवाइड कराएंगे, या फिर 0 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो स्टेट को जानती है। अगर आपकी कोई भी एलईडी है तो वो दो स्टेट को जानती है, ऑन और ऑफ की, और वो कुछ नहीं जानती। एक्चुअल में सच में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ नहीं जानती है। अगर हम उसमें करंट पास करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा, और करंट पास नहीं करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। इसी स्टेट को हम यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, और अभी तक की जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसी बेसिस पे हुआ है। अभी जो आपका ऑन और ऑफ है, उसको हम 1 और 0 के नाम से जानते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। तो अभी आपका 1 और 0 निकल के आया, तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिर्फ ऑन और ऑफ को ही जानती हैं। अभी 0, 1, और ये है क्या? अगर आप एक एलईडी की बात करें तो इसमें ऑन और ऑफ दो चीज़ें हैं, मतलब कि दो स्टेट हैं। तो ये आपकी एक बिट कहलाती है, एक बिट। एक बिट मतलब कि यहाँ पर आपका 0 हो सकता है या फिर आपका 1 हो सकता है, दो आपकी चीज़ हो सकती हैं। ठीक है ना, अगर वहीं पे आप दो एलईडीज की बात करें, आपके पास दो एलईडीज हैं, एक एलईडी ए है, एक एलईडी बी है। ठीक है, ये आपकी दो एलईडी हैं, और आपके पास एक पर्सन है, इसको क्या कराया आपने, दो नंबर्स दे दिए, एक 4 और एक 5। ठीक है, अभी आप क्या करने वाले हैं, इन दो एलईडीज को दोनों को ऑफ कर सकते हैं, या फिर एक को ऑन कर सकते हैं, दूसरे को ऑफ कर सकते हैं, या फिर इसको ऑफ कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं, या फिर दोनों को ऑन कर सकते हैं। अभी आपने इस पर्सन को बता रखा है कि अगर 0, 0 आता है, मतलब कि दोनों ऑफ रहते हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करके मुझे देना है। तो मुझे ये क्या देगा, 9 दे देगा। ठीक है ना, मतलब कि एडिशन करके दे देगा। ठीक है ना, और ये अगर 1 और 0 आता है, मतलब कि एक ये वाली एलईडी ऑन होती है, ये वाली एलईडी ऑफ हो जाती है, तो इसे इंडिकेशन मिल जाएगा कि इसे क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, अगर ये बी वाली एलईडी ऑन होती है, ये ऑफ होती है, तो इसे पता चल जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन करके इसे देना है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑन हो जाती हैं तो ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करके मुझे दे देगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने दो एलईडी से इसे 4 इंस्ट्रक्शन दे दिए, इस पर्सन को 4 इंस्ट्रक्शन दिए कि 0, 0 अगर हो जाता है तो प्लस करेगा, नहीं तो फिर माइनस करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन करेगा, नहीं तो डिवाइड करेगा। तो ये आपके 4 जो हैं इंस्ट्रक्शन मैंने प्रोवाइड करा दिए दो एलईडी से। अभी 4 एलईडी हुई तो कितने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे दो एलईडी से मैंने कितने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दिए, 4। तो 3 एलईडी होती तो मैं कितने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता था, 8 इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा सकता था। वैसे ही कहते हैं, अगर मेरे पास 8 या फिर कहते कह सकते हैं 4, 4 एलईडीज होती तो मैं इसे 16 इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा सकता था। ऐसे ही मैं इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता हूँ किसको, कंप्यूटर्स को। कैसे हम कराते हैं देख लेते हैं। एक सोचिए कि आपके पास एक कीबोर्ड है छोटा सा, जिसमें कि आपके ए बी सी और डी है। ठीक है, ये आपका एक कंप्यूटर है, और ये आपकी आउटपुट डिवाइस है जिसमें आपको दिखेगा ए बी सी या डी। ठीक है, अभी आपने क्या करा, यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए इस कंप्यूटर को,
अभी जब मैं ए क्लिक करूँगा तो इसमें होगा 0 और 0। अगर मैं बी क्लिक करूँगा तो क्या होगा, 0 और 1, इसमें 1 0 और यहाँ पर आपका 1 1, ये 0 1 है। तो अगर मैं बी क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास यहाँ पर इसके पास क्या जाएगा, 0 और 1 जाएगा। तो ये कंप्यूटर समझ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ ऑन और ऑफ समझता है, तो ये समझ जाएगा इसके पास अगर 0 और 1 गया, मतलब कि यहाँ पर गया ऑफ ऑन, तो ये कंप्यूटर समझ जाएगा। कंप्यूटर समझने के बाद इसे क्या देगा, ये बड़ा सा इसमें बी आपका बना देगा। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड्स काम करते हैं, जब आप क्लिक करते हैं यहाँ से, बी क्लिक करते हैं, सी क्लिक करते हैं, डी क्लिक करते हैं, या फिर कोई भी बटन्स क्लिक करते हैं अपने कीबोर्ड्स पे, तो आपके इंस्ट्रक्शन जो जाते हैं वो 0101 में जाते हैं, मतलब ऑन ऑफ में जाते हैं, तब ये समझ पाता है। तब समझने के बाद इसे आपका आउटपुट एक आपको देता है। तो इस तरह से आपका ये कीबोर्ड वर्क करता है। अगर आप एक बिट की बात करें यहाँ पर, तो आपकी जो एक बिट होती है उसमें तो 10 होता है। अगर आप 8 बिट लें तो 8 बिट में आपका एक बाइट होता है, ठीक है। ये बिट जो होता है वो स्मॉल होता है, ये बाइट जो होता है वो बड़ा होता है बिट, ठीक है। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, जब लोग कहते हैं कि हम आपको 4 Mbps की स्पीड देंगे, तो लोग समझते हैं कि 4 MB/s की स्पीड देंगे, बट ऐसा नहीं होता, वो 4 MB/s की स्पीड देते हैं, तो वो बहुत कम होता है। मतलब कि ये भी अभी आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे कि आपका 8 बिट में 1 बाइट होता है, वैसे ही कहते हैं 1024 बाइट्स में, जिसको हम 1024 बी भी कह सकते हैं, इसमें आपका कितना होता है, 1 KB होता है, जिसको हम 1 KB भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1024 KB जब होता है किलोबाइट, उसमें आपका 1 कितना होता है, मेगाबाइट, इसको हम मेगाबाइट कहते हैं, मेगाबाइट, ठीक है। और 1024 मेगाबाइट में कितना होता है आपका, 1 GB होता है, और 1024 गीगाबाइट में आपका 1 TB होता है। ऐसे ही आपका चलते रहते हैं, जनरली हम यहाँ तक ही यूज़ करते हैं इसे। ये आपका बिट्स और बाइट्स हैं। सो आई होप आपको बिट्स और बाइट्स समझ में आए होंगे, और प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। सो थैंक यू गाइस, मीट मी इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। योर फीडबैक इज वैल्यूएबल फॉर ऑल, सो प्लीज कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।